नमस्कार, टोगरी खबर सुनदा स्वागत है। मैं मालू शर्मा ते सबने शा पहले खास खास खबर। दक्षिणी कश्मीर दे कुलगाम जिले च मारिया गया एक आतंकवादी ते कोदी सू मगरा सुरक्षा बलें शुरू किया अभियान। श्री अमरनाथ जी यात्रा 2019 ऑनलाइन पंजीकरण आली सुविधा शुरू। राज्यपाल सत्यपाल मलिक होरें किया शुभारंभ। रियासत दे नवे मेडिकल कॉलेज 400 MBBS सीटें मौजूदा शिक्षा सत्र के होग दाखला। कठुआ, राजौरी, बारामूला ते अनंतनाग दे मेडिकल कॉलेज 100-100 सीटें की मंजूरी। तफसील करने दक्षिणी कश्मीर दे कुलगाम जिले च सुरक्षा बलें कन्नै टाकरे च एक बेपनछान आतंकवादी मारिया गया है। सुरक्षा सूत्रे मुजब जिले दे ताजीपुरा मोहम्मदपुरा इलाके च बडले सवेला सेना CRPF ते पुलिस दे एक सांझे दल ने टकोदी सूचना मगरा तलाशी अभियान शुरू किया। इलाके च छप्पे दे आतंकवादियें सुरक्षा बलें पर गोलियां चलाईयां, जिते मगरा शुरू होए दे टाकरे च एक आतंकवादी मारिया गया। खीरी खबरां थोने तोड़ी अभियान अजे चला करदा है। पाकिस्तान ने पुंछ च कब्जा रेखा कन्नै लगदे शाहपुर केरनी सैक्टर च अज्ज परतिये संघर्ष विराम की उल्लंघना की। थ्होई दी जानकारी मुताबक अज्ज दोपहरी 12 बजे पाकिस्तानी सेना ने जिले दे शाहपुर केरनी सैक्टर च भारी गोलीबारी करदे होई सेना दियां गेतरियां चौकियां ते रिहायशी इलाके की निशाना बनाया। एदे कारण कब्जा रेखा कन्नै लगदे इलाके दे स्कूलें च छुट्टी कर दित्ती गई। बन्ने पर तैनात भारतीय जवानें भी पाकिस्तानी गोलीबारी दा बनकदा परता दित्ता, पर गोलीबारी कारण मुकामी लोकें च डर त्राह दा माहौल बने दा है। शाहपुर से लेकर पाली साइड में, राली साइड में सब जो लोग बंद है, जानवर भूखे हैं, मक्की का कम चार राइस वक्त यहाँ तो वो भी कख नहीं, कारोबार जो है सब बंद है, ठप किया। वो बहुत जोर से गोलाबारी हो रही है। तो सीधा गांव को निशाना बनाया जा रहा है? सीधा निशाना देखो, ये इधर तक लगा सर, ये जो सामने गाँव है ना, सामने मारा पार, इसमें मैं गाँव जो है इधर पीछे सर, सरल तो बहुत दूर है ना, इधर इसमें भी गोलाबारी चल रही है। श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड के अध्यक्ष राज्यपाल सत्यपाल मलिक होरें आज राजभवन श्रीनगर च अमरनाथें दी यात्रा लई पायलट आधार उपर ऑनलाइन पंजीकरण सुविधा शुरू की। बोर्ड के CEO ते राज्यपाल हुंदे प्रिंसिपल सैक्रेटरी उमंग नरूला ते दुए अधिकारी भी इस मौके पर उत्थे मौजूद हे। श्री नरूला होरें दस्सिया जे बोर्ड की 36वीं आम बैठक च लैते गए इस फैसले मुजब यात्रुओं लई ऑनलाइन पंजीकरण सुविधा की पायलट परियोजना के आधार उपर शुरू किया गया है। इस सुविधा रोजाना 500 यात्रुओं लई बालटाल ते पहलगाम आले दोनों रस्तियां उपलब्ध होग। ऑनलाइन पंजीकरण कराने वाले यात्रुओं की निर्धारित मेडिकल सर्टिफिकेट अपलोड करना होग ते करने के 200 रुपये फीस ऑनलाइन जमा करानी होग। जिला सांबा च महकमा बागबानी आसिया एक जागरूकता कैंप लोआया गया। मनानू पंचायत हेठ पौने आले ग्रां शाह बलोर च लोआए गए इस कैंप च असिस्टेंट कमिश्नर रेवेन्यू कुलभूषण खजूरिया ते बागबानी विभाग के ज्वाइंट डायरेक्टर तरविंदर सिंह मुख्य तौर पर मौजूद हे। इस मौके पर बोलते हुए विभाग के माहिरें ग्रां आले की बख बख सरकारी स्कीमें बारे जानकारी दित्ती तां जे ओ इन्हें योजनाएं शा ला चुकी सकन। डिपार्टमेंट काफी सारा पैसा जो है इन स्कूलों को, इन स्कीमों को लगाने के लिए इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। जैसे हमारा मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर है, एक जो मिशन हॉर्टिकल्चर है उसके तहत बाग लगाना, उसमें हमने जो और स्कीमें हैं साथ में पानी की सुविधा मुहैया करना या ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं, उसमें ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का प्रोग्राम है, स्किल डेवलपमेंट का प्रोग्राम, उनके बारे में जानकारी देना। सेहत ते मेडिकल शिक्षा विभाग की भारतीय मेडिकल काउंसिल आसिया अनंतनाग, बारामूला, कठुआ ते राजौरी मेडिकल कॉलेज च इस बरे थमां विद्यार्थियों लई 100-100 सीटें की मंजूरी दित्ते जाने की संभावना है। MBBS विद्यार्थियों दी 400 सीटें दे वादे कन्नै राज्य दे मेडिकल कॉलेज च विद्यार्थियों लई 900 सीटा उपलब्ध होंगन। इंजे च 50% सीटा रियासत च MBBS दाखल नीति मुताबक महिला उम्मीदवारों लई उपलब्ध होंगन। जम्मू पुंछ लोकसभा हल्के थमां सांसद जुगल किशोर शर्मा होरें सांबा च पार्टी कार्यकर्ताएं गी संबोधित करदे होई आखिया जे ओह दिन हुण दूर नहीं है जदों जम्मू कश्मीर थमां धारा 35 ते धारा 370 हटाई दित्ती जांगन। बीजेपी कार्यकर्ताएं इस मौके पर श्री जुगल किशोर शर्मा होरें गी फुल्लें दे हार पाइयै उंदा स्वागत कीता। सांबा दे साबका विधायक डॉ देवेंद्र कुमार मनियाल ते दुए बीजेपी नेता इस मौके पर उत्थे मौजूद हे। संसद सदस्य जुगल किशोर शर्मा होरें महबूबा मुफ्ती हुंदे एक पराने बयान उपर टिप्पणी कीती जे महबूबा होर आखदियां हियां जे धारा 370 हटाने पर रियासता च झंडा चुकने आला कोई नहीं होग, पर उंदी पार्टी दे सब्बे मेदवार हारी गे। नैशनल कांफ्रेंस डॉ फारूक अब्दुल्ला ते उमर अब्दुल्ला होरें गी आखिया जे ओ देश हित च जेकर नहीं बोलगन तां उंदी पार्टी दा भी रियासत च सफाया होई जाग। ਪੱਤਰਕਾਰ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ
भारतीय जनता पार्टी की कठुआ इकाई ने जिले के मेडिकल कॉलेज लई 100 सीटें की मंजूरी थोने पर जश्न मनाइए अपनी खुशी प्रकट की। जिला प्रधान प्रेमनाथ डोगराम की अध्यक्षता च पार्टी कार्यकर्ताएं ते शहरदारे नगर के मुखर्जी चौक च किट्ठे होइए ढोल की ताल उपर नची गाइए एक दुए की मिठाइया देइए मुबारकबाद दी। पार्टी कारकुन ने इस मंजूरी का श्रेय डॉ जतिंदर सिंह होरें की दिता। ढोल भी आने खुशियां मनाने एक बड़ी वीडी खुशी बड़ा वाला तोहफा सू सारे स्थानीय सांसद डॉक्टर जितेंद्र सिंह होरें दिता। उन्हें अपने निजी प्रयासों सू मेडिकल कॉलेज दवाया हा और एक बड़ी खुशी की गल है कि 100 सीटा जी नीट एग्जाम हों जरा मेडिकल का उद्दे 100 सीटा जड़े कठुए की लाट हुई हैं और 100 सीटें बच्चे जोड़ा है इतना उनकी क्लासा लगना शुरू होनी। खबरदार बुलेटिन यहां के जारी रोक पर पहले एक लोक की ब्रेक। एक कछुआ, अरे कहां चले भाई खरगोश बनके? भैया क्या बताएं, नींबू का घोल खत्म हो गया पर मुन्नी का दस्त नहीं। अरे रे रे रे, तू ये पढ़, बच्चे को दस्त हो तो असरदार इलाज के लिए। असरदार इलाज? अरे तू पढ़ तो। फटाफट दो जिंकोर के लिए, जिंक और ORS का डबल तोड़। बोलने पर ऐसा जबरदस्त असर तो बच्चे के दस्त पर कितना असर होगा? एक बड़ा पैकेट ORS 1 लीटर पानी में घोलकर पिलाने से बच्चे में दस्त से हुई पानी की कमी पूरी हो और 14 दिनों तक जिंक देने से भूख व शक्ति बढ़े, मिले 3 माह तक दस्त से बचाओ। जिंक ORS, दस्त का डबल तोड़। नेशनल हेल्थ मिशन जम्मू कश्मीर द्वारा जनहित में जारी। खबरें चकबारी पर तुंदा स्वागत है। शेरी कश्मीर कृषि विज्ञान यूनिवर्सिटी स्कॉस्ट जम्मू के आरएसपुरा कैंपस च अज्जे थमां राष्ट्रीय स्तर का एक सैमीनार शुरू हुआ। दौं ध्याड़े लई चलने वाले इस सैमीनार का उद्घाटन रियासती विधानसभा के स्पीकर डॉ निर्मल सिंह होरें कीता। सैमीनार च वैटनरी विषय कन्ने संबंधित तकरीबन 200 प्रतिनिधि हिस्सा लै करदे न। इंदे च माहिर पशु अनुवंशिक संस्थानें च सुधार ते उंदे संरक्षण बारे तफसीली जानकारी देंगन। सेमिनार की संबोधित करते हुए डॉ निर्मल सिंह होरें आखिया जे सरकार ने राष्ट्रीय गोकुल मिशन तहत भारतीय पशुओं की नस्ल की संरक्षित करने लई बरा 2019-2020 दे अंतरिम बजट लई 750 करोड़ रुपए रखे न। पशु विज्ञान विभाग के डिप्टी डायरेक्टर जनरल डॉ VK तनेजा होरें भी सेमिनार की संबोधित किया। इस शा पहले स्कॉस्ट जम्मू के वाइस चांसलर डॉ KS रिसम होरें सबने परौने का स्वागत किया। They have 94% of both of them. All the other breeds, Guernsey, Jersey, Ayrshire, and whatever you call Shaka, they disappeared over time simply because they were not economically viable. हम बाहर से जो ब्रीड्स आती हैं उनको तो हम जहाँ पर ला रहे हैं लेकिन उसकी जहाँ की उनकी सस्टेनेबिलिटी, उनकी जो सर्वाइवल, यहाँ के वातावरण को उसको केवल सूट नहीं करता, लेकिन ये हमारे स्कॉलर्स हैं, साइंटिस्ट हैं, उनका ये एक बहुत बड़ा रोल है कि जो लोकल कंडीशंस क्या हैं, यहाँ की रिक्वायरमेंट क्या है। और मुझे लगता है कि इस सिंपोजियम का जो लाभ है अल्टीमेटली हमारे किसान भाइयों को मिलेगा और हमारे देसी जानवर की कैसे प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी उस पर गौर खोज किया जाएगा। उधमपुर के PHE दफ्तर बार जिबथाथी के लोके इलाके च पीने वाले पानी की कमी करी प्रदर्शन किया। जिबथाथी इलाके के घनी आबादी वाले ग्राएं के लोगों PHE विभाग पर आरोप लाया च पिछले कई बरे थमां पानी की समस्या बारे विभाग के दसे जाने के बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। उन्हें आख्या जे तेज गर्मी के मौसम च इलाके के बसनीके लई ते डंगरे लई भी बड़ी मुश्किल बनी रही है। जो जिब एरिया जो जिब बी बिच लोगों को पानी नहीं महसूस होता है सा कम से कम भी सा 15-20 दिन ज 25 दिन हो गए जो रेगुलर सा पानी नहीं आता। 2-3 महीने अंदर सारे JE खुल गए, WE खुल गए, सारे डिपार्टमेंट खुल गए, PHE डिपार्टमेंट को आने साल बहानेबाजी होती कोई। जिला रामबन के DC शौकत एजाज भट्ट होरें एक बैठक लवाइए जुमातुल विदा शबे कदर ईद उल फितर के त्यौहार लई किए जा करदे प्रबंधन की समीक्षा की।
उन्हें खुराक सिविल सप्लाईज ते उपभोक्ता मामले सरबंधी विभाग की यकीनी बनाने लिए आख्या जे खाने पीने के समान राशन ते एलपीजी सिलेंडर की कालाबाजारी नहीं होए। इदे कन्ने के उन्हें पीडीडी ते पीएचई विभाग के अधिकारियों के निर्देश दिता जे त्यार ते रोज बिजली ते पानी की निर्विघ्न सप्लाई उपलब्ध कराई जा। ट्रैफिक विभाग की भी मसीतें ते ईदगाहें कोल गड्डियां दी आवाजाई के सुचारू बनाने के निर्देश दिते गए। जहाँ तक पानी बिजली और अदर फैसिलिटीज का ताल्लुक है उनका भी जायजा लिया गया। शेडी कद के लिए भी इंतजाम किए गए हैं, जैसे कि एश्योर बिजली रात को रहे, पानी वाफिर रहे और बाकी भी जो सफाई के अरेंजमेंट्स है उसका हमने पूरी तरह जायजा लिया। राजौरी के आर्मी गुडविल स्कूलों के विद्यार्थियों सीबीएसई के इम्तिहान च शानदार प्रदर्शन किया है। 100% बच्चे पास हुए। राजौरी के एक दूर दरड़े इलाके के हिमात आयोग ने रियासत के सबने भारतीय सेना आसिया चलाए जा करते 43 सद्भावना स्कूलों च पहली थार हासिल की है। इन्हें 43 स्कूलों चा 3 सीबीएसई कन्ने जुड़े दिन आयोग ने सीबीएसई के 12वीं के इम्तिहान च 92.3% नंबर हासिल किए। सेना के स्कूल च पढ़ने वाली डोडा जिले की एक विद्यार्थी इकरा भट्ट ने सीबीएसई की 10वीं की परीक्षा च पहली थार हासिल की। स्कूल के प्रिंसीपल होरे विद्यार्थियों की शानदार नतीजे की सराहना की है। और मुझे इंडियन आर्मी ने स्पॉन्सर किया है, मेरा सारा खर्चा फीस से लेकर हर कोई फैसिलिटीज और उन्होंने ही प्रोवाइड की। रिसेंटली जो सीबीएसई क्लास 10 का रिजल्ट हुआ है उसमें जितने भी सद्भावना स्कूल है उनमें से मैंने टॉप किया है। यहाँ पे आर्मी मैनेजमेंट टीचर्स और आर्मी ऑफिशियल्स जो है हमें फुल सपोर्ट करते हैं। स्कूल का रिजल्ट विद रिस्पेक्ट टू क्लास 10th एंड 12th वाज very good, extremely encouraging. We had the best result in all the 46 AGPS schools or Army Goodwill schools with respect to the result. And in class 10th also, we have the wonderful result. ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਰਾਮਬਨ ਦੀ ਬਗਲੀਹਾਰ 'ਚ ਬੰਨ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਪ੍ਰੰਤ ਡੋਡਾ 'ਚ ਬਣੀ ਦੀ ਝੀਲ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਦੇ ਆਕਰਸ਼ਣ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣੀ ਦੀ ਹੈ। ਮਹਿਕਮਾ ਸੈਲ ਸਫਾ ਇਸ ਥਾਰ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਵਾਟਰ ਸਪੋਰਟਸ ਸੈਂਟਰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਜੇ ਤੋੜੀ ਇਸ ਝੀਲ ਕੇ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨੇ ਪਰ 2.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਆਈ ਹੈ। ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਦੇ ਕੰਨੇ ਕੇ ਇਹ ਝੀਲ ਮੁਕਾਮੀ ਲੋਕਾਂ ਕੀ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪੇਠਾ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। आज इनफैक्ट हमारा ये था कि हम इसको एक ट्रायल करना चाहते थे कि जो हमारी बोट्स आई हैं ये बाहर की हैं, इंपोर्टेड बोट्स हैं, तो इनका एक हमने ट्रायल किया एंड वी हैड ए सक्सेसफुल ट्रायल टुडे। ऑफ कोर्स अभी ये हमने ये जो वाटर स्पोर्ट्स सेंटर है अभी ओपन नहीं हुआ है, इट इज़ अंडर कंस्ट्रक्शन। आज केवल ये ट्रायल ही था और अभी यहाँ पर हमारे ये जेटीज लग चुकी हैं, गैंगवे लगना है और बाकी जब काम हो जाएगा इफ एवरीथिंग गोज वेल और अगले 1.5 महीने में 2 महीने के अंदर अंदर ये पब्लिक की जो है हम इसे ओपन कर देंगे। काम काफ़ी तेज़ी से चल रहा है। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਰਾਜੌਰੀ ਦੇ ਡੀਸੀ ਮੁਹੰਮਦ ਇਜਾਜ਼ ਅਸਦ ਹੋਰੇ ਨਗਰ ਦੇ ਸਪੋਰਟਸ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦਾ ਦੌਰਾ ਲਾਈਏ ਉੱਥੇ ਚਲਾ ਕਰਦੇ ਤਰੱਕੀਆਤੀ ਕੰਮੇ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ। ਸਰਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਡੀਸੀ ਹੋਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਜੇ ਫੰਡਸ ਦੀ ਕਮੀ ਦੇ ਚਲਦੇ ਇਨਡੋਰ ਸਟੇਡੀਅਮ ਤੇ ਪੈਵਿਲੀਅਨ ਦਾ ਕੰਮ ਰੁਕੇ ਦਾ। ਉੱਥੇ ਕੇ ਡੀਡੀ ਨਿਊਜ਼ ਕੰਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਡੀਸੀ ਹੋਰੇ ਦੱਸਿਆ ਜੇ ਪੈਵਿਲੀਅਨ ਦਾ ਇੱਕ ਕੰਮ ਆਉਂਦੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੋ ਪੈਵਿਲੀਅਨ ਹੈ ਉਸ ਕਰੇ 10 ਦਿਨ ਕੀ ਡੈਡਲਾਈਨ ਸੈੱਟ ਕੀ ਗਈ ਹੈ ਔਰ 10 ਦਿਨ ਕੇ ਅੰਦਰ ਇਨਕੋ ਕਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪੈਵਿਲੀਅਨ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਦੇ। उस पर काम चल रहा है काफ़ी ज़ोरों शोरों से, उसमें जो अलाइड एक्टिविटीज़ हैं उनका काम भी चल रहा है। इसके साथ साथ जो इंडोर स्टेडियम है, इंडोर स्टेडियम का भी आप देख सकते हैं काम काफ़ी तेज़ी से जारी है। और डाक विभाग जम्मू कश्मीर सर्कल आसियां बरा 2012 च कड्डी गई पोस्टमैन ते मल्टी टास्किंग स्टाफ दियां असामियां लई बरा 2016 च लैते गए इम्तिहान जिहड़े कि किश कारण करी रद्द कर दिते गए हे, उन्हें इम्तिहान परतिए लैते जा करदे न। पोस्टमैन की असामियां लई इम्तिहान 3 जून की ते एमटीएस लई इम्तिहान 3 जून की लैते जांगन। विभाग ने इम्तिहान लई सेंटर जम्मू श्रीनगर ते लेह च स्थापित कीते दे न। जम्मू कश्मीर स्कूल शिक्षा बोर्ड की एक सूचना मुजब जम्मू प्रांता दी समर जोन दे 12वीं ते सालाना रेगुलर इम्तिहान 2019 देने आले सबे योग्य उम्मीदवार जिहड़े कि आंसर शीट की परतिए जांच कराना चाहते हैं उनके लिए ऑनलाइन रिवैल्यूएशन फॉर्म भरने की खीरी तरीक 4 जून तोड़ी बधाई दी गई है। इदे कन्ने के खबरदार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।